गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स हम लोग का क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो मैट्रिक्स हम लोग का बाकी चैप्टर से जुड़ा हुआ तो चैप्टर नहीं है, लेकिन अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जैसे जेईई मेंस की बात करें या एडवांस में, तो आप अक्सर देखोगे कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट एक ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से बहुत अच्छा स्कोर हम लोग कर सकते हैं, यानी कि कम से कम दो क्वेश्चंस हम लोग को एग्जाम में आराम से किए जा सकते हैं। तो आज हम लोग जो मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे, इसमें पहले हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स को डिफाइंड कैसे करते हैं, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, उसमें टाइप्स क्या है, और उसमें बेसिक प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग का पूरा फोकस होगा कि हम लोग जेईई मेंस और जेईई एडवांस तक के जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स में बच्चों, कि मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें होती। तो सबसे पहले माइंड में आता है कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ऑर्डर की, ठीक है। यानी कि अगर हम कोई भी मैट्रिक्स की बात करें कि वो मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स जो है एक तरीके से कहा जाए तो अगर हम अपने इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, अपने इन्फॉर्मेशन को अगर हम एज ए एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं, तो मैट्रिक्स एक्चुअल में एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है हमारे ऑब्जेक्ट्स का या एलिमेंट का। यानी जब भी हम कोई मैट्रिक्स लिखते हैं तो वो हमेशा हमें एक रेक्टेंगुलर शेप में दिखता है, ठीक है। चाहे वो हम लोग का 2x3 हो या 3x2, किसी ना किसी फॉर्मेट में हमें दिखेगा। तो जब भी आप इसको देखोगे तो ये हमेशा हमें एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स को हम लोग डिफाइन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ जो वर्ड्स हैं उसको मैं फोकस करना चाहता हूँ। यहाँ जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है बच्चे, इसमें हो सकता है कि कन्फ्यूजन, सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो भी मैट्रिक्स पढ़ते हैं उसमें तो रियल नंबर यूज़ किया जाता है। तो आपको एक बात बता दूं कि रियल सिस्टम जो है इट इज़ ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि अगर आप कोई भी रियल नंबर लिखते हो वो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें इमेजिनरी पार्ट हम लोग का जीरो होगा। इसलिए अगर आप रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हो तो कोई गलत नहीं। दूसरी चीज, मैट्रिक्स सिर्फ रियल नंबर का नहीं होता है, मैट्रिक्स हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर का भी होता है। आगे जाके हम लोग कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ की जाती है। तो आपके माइंड में अगर ये चीज़ आ रहा है कि मैट्रिक्स सिर्फ रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैट्रिक्स हम किसी भी टाइप के नंबर्स के लिए लिख सकते हैं, ठीक। दूसरा कि ये अगर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगा हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस का, ठीक है, जिसमें हम अपने एलिमेंट को या तो हॉरिजॉन्टली रखे होंगे या वर्टिकली प्लेस करेंगे, ठीक है। और हरेक जितने भी हॉरिजॉन्टल रोज होंगे, जैसे अगर हम बात करें कि मैट्रिक्स में कुछ रो और कॉलम प्रेजेंट होंगे, तो हर एक रो में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। जैसे अगर मान लो किसी मैट्रिक्स में दो रो है, तो हम ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट रो में चार एलिमेंट है और सेकंड रो में पाँच, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। जब भी हम यहाँ पर रो की बात कर रहे हैं तो हर एक रो में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, चाहे वो हम एक रो की बात करें, चाहे दो की बात करें, चाहे चार की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमें दिखाना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम उसके लिए दो सिंबल बच्चों यहाँ यूज करते हैं। एक सिंबल है दिस वन, ठीक है, और एक सिंबल है दिस वन, ठीक। यानी कि अगर हम देखें तो हम यहाँ पर या तो हम इस टाइप का ब्रैकेट यूज करेंगे या तो हम इस टाइप का ब्रैकेट यूज करेंगे पूरे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम मैट्रिक्स को लिखना चाहते हैं या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसके लिए जनरली हम लोग यहाँ पर कुछ कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं बच्चों, जैसे ए बी सी डी, इस तरह से यूज़ करते हैं। मतलब जनरली अगर आप देखोगे तो हम लोग यहाँ पर अपने मैट्रिक्स को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी नंबर्स हम मैट्रिक्स में यूज़ करते हैं, यानी मैट्रिक्स बनाने में जो भी हम नंबर यूज़ कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। यानी कि अगर कभी पूछा जाए कि भाई मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या है, तो आपको और कुछ नहीं सोचना, बस ये सोचना है कि मैट्रिक्स बनाते वक्त हमने जो भी नंबर यूज़ किए हैं हम उसी को एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो वो हम लोग का अल्फ़ाबेट है ए बी सी, वो भी ठीक है,
नहीं तो अगर कोई नंबर से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो 1, 2, 3, 4 से भी कर सकते हो, यानी कि जनरली हम इसी तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अब जैसे मैंने कहा कि हम लोग यहां पर कभी मैट्रिक्स लिखते हैं तो हमेशा कोई भी मैट्रिक्स में, ठीक है, हमेशा दो चीजें होती, पहला प्रेजेंट ऑफ रो एंड प्रेजेंट ऑफ कॉलम। चाहे आप किसी भी टाइप का मैट्रिक्स लिखो उसमें कम से कम एक रो या कम से कम कॉलम तो प्रेजेंट होना ही होना है, ठीक है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो अगर मैं अपने नंबर्स को हॉरिजॉन्टल लाइन में प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, अपने नंबर्स को हॉरिजॉन्टल लाइन में प्लेस कर रहा हूँ तो वो कहलाएगा रो ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक। अगर हम अपने नंबर्स को वर्टिकल लाइन में प्लेस कर रहे हैं तो उसको कहेंगे हम लोग कॉलम। जैसे ये एक मैट्रिक्स की तरह दिख रहा होगा, तो ध्यान से देखो यहाँ पर हम लोगों ने जो सिंबल यूज़ किया हुआ है ये सिंबल हम लोग का मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हमने कुछ नंबर यूज़ किए हैं 2, 3, 4, 5। तो जब मैं अपने नंबर्स को हॉरिजॉन्टली देख लूँगा तो मुझे एक ये पैटर्न दिखेगा और एक ये पैटर्न दिखेगा, इन दोनों को हम लोग कहेंगे रो। और अगर मैं नंबर को वर्टिकली देख रहा हूँ तो ये दो हम लोग के कॉलम दिखेंगे, इनको हम लोग कहेंगे कॉलम्स, ठीक है। यानी कि हॉरिजॉन्टल जो अरेंजमेंट है वो रो कहला रहा है और वर्टिकल अरेंजमेंट हम लोग का एक तरीके से कॉलम कह रहा है। तो हम इसी को कहते हैं मैट्रिक्स, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट जो है वो हम लोग का एक तरीके से मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट, अब जैसे एक मैट्रिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है 1, 2, 4, 3, 0, 2, 5, 6, 7। तो इस मैट्रिक्स में जैसे अगर आप सोचना चाहो कि सर कितने रो कितने कॉलम है, तो आपको बस ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपने कितने नंबर्स को हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट किया है और कितने नंबर को वर्टिकल रिप्रेजेंट किया है। तो ध्यान से देखो 1, 2, 4, ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक हॉरिजॉन्टल है, तो ये हम लोग का बन जाएगा रो 1। ये जितने नंबर्स हैं वो हम लोग को सेकेंड हॉरिजॉन्टल रो में दिख रहे हैं, तो ये हो गया R2। ये नंबर्स हम लोग का थर्ड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है तो ये बन जाएगा R3। उसी तरीके से अगर हम इस वर्टिकल अरेंजमेंट की बात करें तो ये वर्टिकल अरेंजमेंट होगा हम लोग का कॉलम फर्स्ट, ये वर्टिकल अरेंजमेंट कहलाएगा कॉलम 2 और ये वर्टिकल अरेंजमेंट कहलाएगा कॉलम 3। तो इसी तरीके से हर एक मैट्रिक्स में कुछ रो और कुछ कॉलम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट हम लोग का स्टार्ट होता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बच्चों यहां से एक तरह से मैट्रिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक हमने डेफिनेशन डिस्कस किया, बट नाउ अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स की। तो कोई भी मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा उसमें कोई ना कोई रो और कॉलम प्रेजेंट होती है, तो ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो एक तरीके से किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन करने में बहुत हेल्प करता है। यानी कि जब भी हम कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करते हैं तो हमारे माइंड में बस ये आना चाहिए कि ऑर्डर हमेशा नंबर ऑफ रो एंड कॉलम से जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई हम लोग का एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, तो ये दोनों मिलकर हम लोग का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो बस इतना ध्यान में रखना है कि कितने रो और कितने कॉलम प्रेजेंट है किसी मैट्रिक्स में, वही उसका ऑर्डर होता है, ठीक है। तो जैसे अगर देखो ध्यान से एक मैट्रिक्स लिया गया जिसमें m रो है और n कॉलम्स है, तो उसको हम लोग कहेंगे एक मैट्रिक्स है ऑर्डर m क्रॉस n का। अच्छा, यहाँ क्रॉस जो सिंबल है ये एक तरीके से हम लोग का रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि अगर हम रो और कॉलम को एक साथ लिख रहे हैं तो उसके बीच में मैंने एक क्रॉस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि पहला जो एलिमेंट होता है पहला, वो हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है यानी कि नंबर ऑफ रो, और ये जो दूसरा होता है ये हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है यानी कि ये नंबर ऑफ कॉलम के साथ आएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने लिख दिया 3 × 2, तो 3 × 2 में ये 3 जो है वो नंबर ऑफ रो है और अगर ये 2 है तो ये नंबर ऑफ कॉलम होगा। ये आप हमेशा ध्यान रखना क्योंकि मैट्रिक्स में ये चीजें बिल्कुल फिक्स है, ये आप चेंज नहीं कर सकते खुद से, आप अपने से यहां पर कुछ भी नहीं सकते हो। हमेशा ध्यान रखना नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा इसी तरीके से ऑर्डर को डिफाइन करती है। अब हम इसको रीड करने का तरीका ये भी है कि m बाई n, ठीक है, इसको हम लोग m बाई n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा है कि कभी कभी हम लोग इसको साइज से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ इसको हम इस साइज का मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो ये मैट्रिक्स लिखा गया भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
तो हमें क्लियर दिख रहा है कि इसमें तीन रो है और तीन कॉलम है, तो इसका मतलब ये 3x3 का मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम ऑर्डर की बात करें तो यहां ऑर्डर हम लिखेंगे 3x3 का। तो इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन कर। एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो हम लोग 3x3 लिखते हैं या m/n, वो एक तरीके से ये भी बताता है कि आखिर में कितने एलिमेंट यूज हुए हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हुए हमारे यूज हुए हैं इस मैट्रिक्स को डिफाइन करने। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कितने एलिमेंट यूज हुए इस मैट्रिक्स को डिफाइन करने में, तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ रो और नंबर कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे। यानी कि एक तरीके से ये जो हम लोग सिंबल है यूज कर रहे हैं वो सिर्फ ऑर्डर ही नहीं बल्कि ये भी बता देता है कि इसमें m इंटू n एलिमेंट यूज हो रहे हैं मैट्रिक्स को। हाँ, ये अलग बात है कि वहां पर हम डिस्टिंक्ट या आइडेंटिकल एलिमेंट की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात करें इतने एलिमेंट यूज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को एक सिंपल वे से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, कॉम्पैक्ट वे में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, यानी एक छोटा तरीका से, तो उसको रिप्रेजेंट करने का जो छोटा वे है वो ये। आप अगर देखोगे तो आजकल मेंस में या एडवांस में बहुत जगह मैट्रिक्स इसी तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ जाना है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आप लिखा जा रहा है तो आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां पर ये AI जो जे दिखता है आपको, AIJ, ये एक्चुअल में जनरल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। इसको हम कहते हैं जनरल एलिमेंट। जैसे आपको याद होगा कि हम लोग जब सीरीज पढ़ते थे, सिक्वेंस और सीरीज, उसमें हम लोग अक्सर एनेट टर्म या जनरल टर्म फाइंड आउट करते थे। तो जनरल टर्म होता क्या था? एक ऐसा टर्म होता था जिसकी हेल्प से हम पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पूरे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के एलिमेंट को निकाल सके। उसी तरीके से मैट्रिक्स का जो जनरल एलिमेंट है वो ये है। मैं चाहूं तो इसे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? आई और जे की वैल्यू पुट कर दूं। जैसे आई की वैल्यू 1 से एम तक जा रही है, जे की वैल्यू 1 से एम। जैसे मुझे चाहिए कि कोई भी एक एलिमेंट निकालना, तो बस करना क्या है, आई की वैल्यू यहां से और यहां से कोई एक ले लो। जैसे आई की वैल्यू ले लिया मैंने 2, जे की ले लिया मैंने 5, तो हम लोग का जो एलिमेंट बन जाएगा वो हो जाएगा A25। तो ये A25 जो होगा वो इसी मैट्रिक्स का एक एलिमेंट होगा। यानी कि करना कुछ नहीं है, I और J की वैल्यू पुट कर देना है और उसी से आपको इस पूरे मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट डिफाइंड हो जाएगा। तो एक तरीके से इसको हम लोग जनरल एलिमेंट कह सकते हैं मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, एक सिंपल सा क्वेश्चन की बात है, जैसे यहाँ पर देख के बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो हमें क्लियर दिख रहा है बच्चों कि यहाँ पर हमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो ये 2x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग यहां पर आ रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। तो यहां पर देखो कुछ हम लोग मैट्रिक्स के टाइप डिस्कस करेंगे। हालांकि आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो हर प्रॉब्लम में कुछ खास टाइप के मैट्रिक्स ही यूज होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जो बताया जा रहा है हर मैट्रिक्स यूज होगा, कुछ खास टाइप के मैट्रिक्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं प्रॉब्लम में। तो इसलिए यहां पर हम लोग पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं। सबसे पहले आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से ही पता चल जा रहा है, इसका शेप जो होगा या जो साइज होगा वो स्क्वायर टाइप दिखना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही कहा कि हर एक मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है, तो एक रेक्टेंगुलर शेप एक स्क्वायर शेप भी हो सकता है अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाए। यानी कि एक मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? जब नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहा हूं तो बस इसमें एक ही कंडीशन अप्लाई करो, m इक्वल टू n, तो ये बन जाएगा हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, जैसे देखो यहां पर अगर आइडेंटिफाई करना है कि नहीं ये हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, तो सिंपल हम देख रहे हैं कि यहां पर 2 रो है और 2 कॉलम है, तो डेफिनेटली ये हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो भाई जैसे आपको पहले ही बताया गया कि स्टार्टिंग में कि हर एक मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर शेप में होगा, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बस इतना ही कहना होता है कि अगर हम लोग का m और n बराबर नहीं है तो वो हम लोग का एक क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि
अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है तो इसको हम लोग रैंक प्रॉब्लम है। तो ये जो मैंने आपको टाइप बता रहा हूँ उसमें आपको ये सारे मैट्रिक्स बहुत कम जगह दिखेंगे प्रॉब्लम में, आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपको ज़्यादा दिखेगा। जैसे देखो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है जिसमें नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो इसलिए चूंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अलग हैं इसलिए इसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल अगर हम देखें तो ये काफ़ी यूज होने वाला मैट्रिक्स है, कभी कभी हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या है पहले इस बात को समझना है, ठीक है। और डायगोनल हम मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे ये देखेंगे। तो प्रिंसिपल डायगोनल की बात करें तो कोई भी मैट्रिक्स अगर मेरे पास है जैसे ए आई जे है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, एन बाई एन लिया हुआ है। इसका मतलब जब मैं प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैट्रिक्स का नेचर क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स का नेचर होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रिंसिपल डायगोनल डिफाइन करना चाहते हो तो उसके लिए मैट्रिक्स हमारा होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी आप उसका प्रिंसिपल डायगोनल डिफाइन करो। तो अगर हम लोग कहा कि भाई ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एन, एन ऑर्डर का मतलब ये समझ जाना कि वो एन बाई एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं यहां से स्टार्ट करूं, ठीक है, मतलब लेफ्ट एंड से स्टार्ट करूं और राइट एंड तक चलू जाऊं, तो ये जो हम लोग को एक लाइन मिलेगा इस लाइन की अलोंग जितने भी एलिमेंट आएंगे वो कहलाएगा प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट। मतलब अगर मैं यहाँ फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करूं और लास्ट एलिमेंट तक पहुंच जाऊं तो इसके अलोंग जितने भी हम लोग को एलिमेंट आएंगे वो हम लोग का कहलाएगा प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट आएंगे प्रिंसिपल डायगोनल में उसके लिए एक कंडीशन मस्ट होगा और वो आई इक्वल टू जे। मतलब अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो पता है ये एलिमेंट कहाँ है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है ना, तो ये क्या बन गया ए वन वन। अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो ये हम लोग का सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, यानी ये बन गया ए टू टू। अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो ये हमारा बन जाएगा थर्ड रो और थर्ड कॉलम यानी कि ए थ्री बाई। तो हमें ऐसा नहीं लग रहा कि भाई यहाँ पर आई और जे बराबर हो रहा है, यानी कि सिंपल अगर आपको कभी भी किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको वो सारे एलिमेंट लेते जाओ जहाँ पर आई और जे बराबर है, यानी वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव इस तरह से लेते जाना। तो ये सारे एलिमेंट जो होंगे प्रिंसिपल डायगोनल के लॉन्ग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से प्रिंसिपल डायगोनल डिफाइन करते किसी मैट्रिक्स के। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा इसी तरह से डिफाइंड होता है, कभी इधर से नहीं होता है, ठीक है। दिस इज रॉन्ग साइड, हमेशा फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट को बिलोंग करने वाला डायगोनल ही हम लोग का प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। बच्चों ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में फाइंड ट्रेस कहा जाता है। लेकिन ट्रेस जो है वो कोई मैट्रिक्स का टाइप नहीं है, पहली बात ये समझ जाओ। ट्रेस जो है वो एक्चुअल में प्रिंसिपल डायगोनल में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका सम को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स लिख रहा हूं मान लो ये मैट्रिक्स लिख रहा हूं तो हम लोग का प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा हो जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल हम लोग का जो है वो ये हो जाएगा, ठीक। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, इन सबको मैं ऐड कर दूं 1 + 5 + 9 तो बच्चों ये बन जाएगा ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स एक्चुअल में एक वैल्यू होती है, किसी मैट्रिक्स के लिए क्या होती है एक वैल्यू होती है, वो मैट्रिक्स नहीं होता है एक वैल्यू होता है। और ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वैल्यू कैलकुलेट होती है अलोंग प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट से। यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल में जितने भी एलिमेंट बिलोंग करते हैं उनके सभी एलिमेंट को ऐड कर दो तो वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है। जैसे अगर एक मैट्रिक्स है ए आई जे और इसका ऑर्डर है एन, तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए जो है वो डिफाइंड होता है समेशन ओवर ए आई आई, आई की वैल्यू 1 से एन। तो ए आई आई जो लिख रहा है इसका मतलब है कि आई की वैल्यू 1 रखोगे तो ये ए 1 बनेगा, आई की वैल्यू 2 रखोगे तो ए 2 बनेगा, आई की वैल्यू 3 रखोगे तो ए 3 बनेगा, इस तरह से वो एलिमेंट बनकर ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा डिफाइंड होगा ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट जैसे एक मैट्रिक्स हम लोगों ने लिया हुआ है
4-1-2-0-1, 4-1-2-7-6-9 और इसका ट्रेस डिफाइन करना है। कुछ मत करो, प्रिंसिपल डायगोनल पहले बना लो और उसमें जितने भी एलिमेंट है उसको ऐड कर दो, 2-1-9 सबको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 2-1-9, तो ये आ जाएगा टोटल 10। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स कैलकुलेट की जाती है। अब हम लोग यहां पर नेक्स्ट हम लोग ये देख रहे हैं नेक्स्ट बच्चों, अब हम लोग आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में। जैसे हम लोगों ने प्रिंसिपल डायगोनल को तो डिफाइन किया ही, अब हम लोग यहां पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग का है, ठीक है, वो हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइंड करते हैं। यहां पर कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, तो ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये एक मैट्रिक्स लिखा जाए, ठीक है, एक कोई भी अगर मैट्रिक्स लिखा जाए और उसमें नॉन डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल की बात करें, ध्यान रखना प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर अगर सारा एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर अगर सारा एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे 1-2-3, 0-0, 0-0 एंड 0, तो ये जो मैट्रिक्स बना वो हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या है हम लोग के, जीरो। तो एक बात बस ध्यान रखना है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, ठीक है। और हम इसको एक वे से रिप्रेजेंट भी करते हैं, कभी कभी हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स को इस तरह से भी लिखते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है इसका डायगोनल मैट्रिक्स लिख रहे हैं इस तरह से, तो इसको इस तरीके से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि उस डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ यही एलिमेंट होंगे जो नॉन जीरो होगा, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो हम डायगोनल मैट्रिक्स को कभी कभी ऐसे भी, जैसे एक एग्जांपल ही बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो कि हम लोगों ने लिखा है इसको इस तरीके से, ठीक। अब आपको बोला जाए कि भाई इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, तो बस सिंपल सा ये समझ जाओ कि डायगोनल एलिमेंट जो होंगे, यहाँ तीन एलिमेंट है यानी a11, a22 और a33, वो हम लोग का नॉन जीरो है, बाकी सभी क्या है, जीरो। तो ये हो गया हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट, तो बच्चों आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैट्रिक्स को कंटिन्यू करेंगे डेफिनेशन के साथ और फिर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आज के इतना ही, गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे।